हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। आज के दिन पे हमने देखा बैंक निफ्टी ने कमाल किया है। कल रात को डाउ जोन्स में 1300 पॉइंट का करेक्शन था, आज हमने ओपनिंग किया 17777 के लेवल पे, यानी 17777 पे हमने निफ्टी का ओपनिंग देखा और करीबन 300 पॉइंट निफ्टी क्लोजिंग के कल के क्लोजिंग से नीचे ओपन हुई थी। और ये जो था वो रेजिस्टेंस था जब हम 18,000 को टच नहीं कर रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने ये लेवल्स कई बार मेरे वीडियोस में कहा था, 17700 का लेवल, 17777 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस है, और वही रेजिस्टेंस पे सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम खुले और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स 17825 के लेवल्स को हमने टच किया, 17850 के लेवल्स को टच किया, और करीबन 10:30 के पहले हम 17920 के ऊपर थे स्पॉट लेवल्स में, फ्यूचर में हम 17950 के ऊपर थे, और एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने 41,000 को लेवल्स को अचीव किया स्पॉट और फ्यूचर दोनों में, और वहां से एक शार्प रिकवरी हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई 41,700 के लेवल तक फ्यूचर में, 41,600 के लेवल तक स्पॉट में। बैंक निफ्टी का अब तक का रिकॉर्ड हाई देखे तो 41,800 का है, जो कल के दिन पे हम अचीव होते देखेंगे, क्योंकि आज जो क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी में 41,400 के आसपास मिला है, 41,400 के लेवल्स के आसपास मिला है स्पॉट में, 41,450 के लेवल्स के आसपास मिला है। फ्यूचर की बात करें, निफ्टी का क्लोजिंग एग्जैक्टली 18,000 पे मिला है स्पॉट में, 18,025-18,030 के आसपास मिला है फ्यूचर में, और ओवरऑल सिनारियो देखे तो FIS की जो पोजीशन थी कल के डेटा के हिसाब से 25-26% ओपन पोजीशन थी 18,000 के लेवल्स पे इंडेक्स के, तो अच्छा खासा रिकवरी था और वो रिकवरी एक्सपेक्टेड था आज के दिन पे, एक्सपेक्टेड था सेकेंड हाफ में ये रिकवरी होगी, लेकिन इमीडिएटली हमने पहले 1 घंटे में अच्छी खासी रिकवरी देख ली और उसके बाद फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग का माहौल बना। बैंक निफ्टी ने आज लीड किया, जिसमें से स्टेट बैंक ने अच्छा खासा रोल प्ले किया। क्लोजिंग के समय में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, सभी बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम मिला, और आज के दिन पे पहला जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया है वो स्टेट बैंक का, आज का दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया रिसेंटली रिजल्ट दिए थे और अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और क्योंकि बैंक निफ्टी एक मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू करेगी, इस वजह से आज के दिन पे 2 बैंकिंग स्टॉक्स को सजेस्ट कर रहा हूँ, एक है स्टेट बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। वीडियो की शुरुआत में 2 सर्विस का और भी देना चाहूंगा जो मैं प्रोवाइड करता हूँ एवरी। सैटरडे YouTube लाइव में जुड़ जाइए दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में। इस सैटरडे संडे दोनों दिन मैं कंडक्ट नहीं कर पाया था YouTube लाइव ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आने वाले सैटरडे यानी 17 सितंबर को दोपहर को 3 बजे याद से YouTube लाइव में जुड़ जाएगा दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में। जितने भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर लीजिए। दूसरा तरीका है यहाँ पे एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज 90 डेज 2 तरीके के पैकेज अवेलेबल है। दोनों पैकेज में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होगा, इंट्राडे डिलीवरी बेस एफएनओ बेस आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और कैसे इस माहौल में मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे डिफेंसिव प्ले करना है, ये सभी कुछ आपको आपको इस एडवाइजरी प्रोडक्ट में जानने मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए। पोजीशंस को लॉन्ग रखिए, बुल्स के साथ रहिए, बेयर्स के साथ मत रहिए। कल के दिन पे वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, तो कल का जो एक्सपायरी दिख रहा है मुझे 18,150 और 18,200 के लेवल्स के आसपास दिख रहा है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,900 के फ्यूचर्स लेवल दिख रहे हैं, स्पॉट लेवल दिख रहे हैं 41,800 के आसपास, तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए। पोजीशंस को हेज करना है तो हेज करके चल सकते हैं, लेकिन नेकेड शॉर्ट नेकेड पुट बिल्कुल भी मत खरीदिए। यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में देख लेते सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटेस्ट न्यूज क्या है वो देख लेते हैं, साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देख लेंगे, और ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे कैसा बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का आने वाले दिनों के लिए ये भी देखेंगे, और क्या लेवल्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्या लेवल्स होने चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ कौन से लेवल्स पे एंट्री करना है, कौन से लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले, जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। जैसे मैंने स्टेट बैंक की वीडियो में बताया था, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे रिसेंटली इंडियन बैंकिंग सेक्टर को रीरेट किया था, और अभी भी उन्हें 41% यहाँ पे अपसाइड दिख रही है काफी सारे स्टॉक्स में।
जैसे मैंने कहा था आईसीआईसी बैंक का उन्होंने टारगेट 1040 से 1025 1225 कर दिया है, और स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट में तो 130 से उन्होंने जो टारगेट है बैंक ऑफ बड़ौदा का 155 से सॉरी 155 से उन्होंने टारगेट 170 कर दिया है। आज का क्लोजिंग देखिए तो 141 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए 155, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 170 के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। रिसेंटली जो रिजल्ट आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के वो काफी बढ़िया थे। मार्च में 23,762 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार आया है 21,570 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल था 2890 करोड़, इस बार है 2870 करोड़। और नेट प्रॉफिट था पिछले साल कम बैंकिंग को लॉस थी वो था 740 करोड़ का लॉस था, इस बार बैंक को प्रॉफिट हुआ है 1939 करोड़ का, यानी 1940 करोड़ का बैंक को प्रॉफिट हुआ है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए सेम रेप्लिका दिख रहा है आपको स्टेट बैंक की तरफ। कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था बैंक ऑफ बड़ौदा में और साथ ही में स्टेट बैंक में, आज बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 करोड़ का वॉल्यूम दिख रहा है। पूरे महीने का 3 करोड़ का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें 73 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए तो बॉटम था 136 का, हाईएस्ट पॉइंट है 142 का, एक महीने बॉटम था 118 का, हाईएस्ट पॉइंट 42, 3 महीने का बॉटम 90 रुपए का था, हाईएस्ट पॉइंट था 142 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 64%, एफआईएस के पास 8.23%, डीआईएस के पास 16.85%, और अगर पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 10.96% है पब्लिक होल्डिंग्स। म्यूचुअल फंड डेटा काफी अच्छा है, 62 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 53 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस है 1,30,45,000 शेयर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी है ना वैल्यूएशन है। 62 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 53 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया, क्वांटिटी है 1,30,45,503 स्टॉक्स यहाँ पे बाय हुए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो अच्छा खासा मोमेंटम है बैंक ऑफ बड़ौदा में म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से। और आरएसआई इस समय देखिए 71 है, एमएफआई 80 है, तो आरएसआई के बिजनेस पे ओवरबॉट की तरफ जा रहा है और एमएफआई के बिजनेस पे देखिए तो ओवरबॉट हो चुका है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म 155 का टारगेट रखिए, 170 का टारगेट रखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट 155 का होना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया लेवल्स पे मिल रहा है, जरूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और पोजीशंस को अपने लॉन्ग रखिए। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरी वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।